हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। कि अब इसमें हमने फैक्टर्स बनाने हैं कि जो भी एप्रोप्रिएट अलजेब्रिक आइडेंटिटी होगी उसको यूज करके, मतलब जो इसको सूट करेगी, इसके लिए जो आइडेंटिटी सूटेबल होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास ये 3 आइडेंटिटी है। इन 3 आइडेंटिटीज में से कोई भी आइडेंटिटी जो इसके लिए सूटेबल होगी हम वो यूज करेंगे। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल होता है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। वैसे तो हमारे पास और भी आइडेंटिटीज है, टोटल 7 आइडेंटिटीज हमने हमारी लास्ट वीडियो में की थी, बट क्वेश्चन नंबर 3 को करने के लिए हम इन 3 आइडेंटिटीज का ही यूज करेंगे। यही आइडेंटिटीज इनफ है इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब ये देखो, अब जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने किया था ना, उसमें तो हमने सिंपल वैल्यूज को सॉल्व किया था, जैसे कि हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, उसे हमने इस फॉर्म में ओपन किया। बट इस क्वेश्चन में हमें ये फॉर्म गिवन है और हमें उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब उसके फैक्टर्स बनाने हैं। क्योंकि इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब x प्लस वाई की 2 टाइम मल्टीप्लाई। तो यही तो दो फैक्टर्स हो गए हमारे, जो मतलब दो वैल्यूज का प्रोडक्ट, और इनकी मल्टीप्लाई करके ये तो कम्प्लीट एक पॉलिनोमियल बन रही है। तो इस टाइप की वैल्यू हमें गिवन होगी और उसे हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने ये देखना है जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो उस क्वेश्चन में इनमें से कौन सी आइडेंटिटी सुटेबल है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9x2, तो सबसे पहले देखो ये किसका स्क्वेयर है, यहाँ पे तो 9 तो एज इट इज है और ये x का स्क्वेयर है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वेयर कर सकते हैं। ठीक है, 9x स्क्वेयर है जो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9 किसका स्क्वेयर होता है, 3x स्क्वेयर, तो 3x का होल स्क्वेयर हो गया। ऐसे यहाँ पे ये y का स्क्वेयर है प्लस 2 इंटू, अगर मैं इसे 3x इंटू वाई कर दूं तो 2 इंटू 3 6xy बन गया यही। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है, देखो दो वैल्यूज का स्क्वेयर प्लस 2ab, दो वैल्यूज का स्क्वेयर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल स्क्वेयर। नहीं तो एक ट्रिक आप याद कर सकते हो कि जब भी हमारे पास दो वैल्यूज का तो स्क्वेयर बन रहा हो, मतलब टोटल हमारे पास 3 वैल्यूज गिवन हो, उनमें से 2 वैल्यूज का स्क्वेयर हो और बीच में उन दोनों का प्रोडक्ट हो, तो उसके लिए दो ही आइडेंटिटीज होती है हमारे पास, x प्लस वाई का होल स्क्वेयर वाली या फिर x माइनस वाई का होल स्क्वेयर। क्योंकि इसी में ही तो होता है, देखो दो वैल्यूज का स्क्वेयर और फिर प्लस 2 इंटू दोनों का प्रोडक्ट, दोनों वैल्यूज का स्क्वेयर माइनस 2 इंटू दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट। अब प्लस वाली होगी या माइनस वाली, वो इस वैल्यू पे डिपेंड होगा कि जो बीच वाली वैल्यू होगी, मतलब दोनों के प्रोडक्ट वाली वैल्यू, अगर वो पॉजिटिव है तो x प्लस वाई का होल स्क्वेयर बनेगा, और वो अगर नेगेटिव है तो x माइनस वाई का होल स्क्वेयर बनेगा। बस सिंपल। तो अब देखो ये फॉर्म हमारी ओपन हो गई, x प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy किसके इक्वल होगा, x प्लस वाई, और यह x का मतलब है 3x और y का मतलब है y। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, आइडेंटिटी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वेयर। यहाँ पे x का मतलब है 3x और y का मतलब तो y ही है, नहीं तो अगर आपको आइडेंटिटी एक्स वाई में नहीं तो आप ए बी में भी कर सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, तो a की वैल्यू 3x हो जाएगी, b की वैल्यू y, वो आपकी मर्जी है। तो अब हमारा क्वेश्चन था 9x2 प्लस 6xy प्लस y स्क्वेयर, तो अब ये किसके इक्वल आ गया, x प्लस y का होल स्क्वेयर, x का मतलब है 3x प्लस y का मतलब तो y है, इसका होल स्क्वेयर। फैक्टर्स बनाने हैं ना, स्क्वेयर का मतलब है इसको 2 टाइम राइट कर देंगे, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कौन सी वैल्यू किसका स्क्वेयर बन रही है, और बीच वाली वैल्यू, अगर जब भी दो वैल्यू स्क्वेयर होंगे ना, बीच वाली वैल्यू आपने सिंपल क्या करना है, 2 इंटू इन दोनों की मल्टीप्लाई, उसके बाद चेक कर सकते हो यही वैल्यू बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है, एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 4y2 माइनस 4y प्लस 1, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि ये क्या बनेगा, किसका है, 2y का होल स्क्वायर है, और
ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है ना, क्योंकि वाई का स्क्वायर नहीं है, बट वन ये किसका स्क्वायर है, वन का, बीच में एज इट इज टू मल्टीप्लाई ये वैल्यू एज इट इज लिख दो, टू वाई इंटू वन. अब देखो बन गया ना टू मल्टीप्लाई टू फोर वाई, और यही हमारे पास गिवन है. तो यहाँ पे देखो दो वैल्यूज का स्क्वायर बन रहा है और बीच में कौन सा साइन है, माइनस का. दो वैल्यूज का स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो कौन सी वैल्यू हो जाएगी, वो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर. तो यूजिंग आइडेंटिटी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का टू एक्स वाई, विच इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का टू एक्स वाई, यही वैल्यू बन रही है. किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर. यहाँ पर एक्स का मतलब है पहले किसका स्क्वायर है, टू वाई का ना, तो एक्स का मतलब है टू वाई और वाई का मतलब है वन, क्योंकि दूसरा किसका स्क्वायर है, वन का. तो अब जो हमारा आंसर हो गया, क्या क्वेश्चन था, फोर वाई स्क्वायर माइनस का फोर वाई प्लस वन, किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर. एक्स का मतलब है टू वाई, वाई का मतलब वन, तो टू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर. तो फैक्टर्स हो गए टू वाई माइनस वन इंटू टू वाई माइनस वन, दिस इज योर आंसर. तो सिंपल याद रखना, जब भी तीन वैल्यूज हमारे पास गिवन होंगी, फर्स्ट में भी देखो थ्री वैल्यूज है, सेकंड में भी थ्री वैल्यूज, इसमें दो दो वैल्यूज का स्क्वायर बन रहा है, फर्स्ट का और लास्ट, और बीच में दोनों का प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर बन रहा है, बीच में दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट है, और क्या किसके साथ मल्टीप्लाई है, टू के साथ. बट इसमें जो बीच वाली वैल्यू है प्लस की है, इसमें बीच वाली वैल्यू है वो माइनस की. तो इसके लिए हमारे पास दो ही आइडेंटिटीज है, एक तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, अगर बीच वाली वैल्यू प्लस की है, बीच वाली माइनस की है, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वो उसका आंसर हो जाएगा. एक्स का मतलब जो फर्स्ट वैल्यू होगी किसका स्क्वायर है, वो एक्स होगा, और सेकेंड वैल्यू जिसका स्क्वायर होगा वो क्या होगी, वाई. थर्ड इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय में हंड्रेड. अब इसमें तो देखो ऑलरेडी टू वैल्यूज गिवन है, थर्ड वैल्यू है ही नहीं. जब थर्ड वैल्यू नहीं है तो ना तो फर्स्ट वाली जो हमने क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज की एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ना तो ये अप्लाई होगी, और ना ही एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर. ये सिर्फ तभी अप्लाई होगी जब हमारे पास थ्री टर्म्स गिवन होगी, बट इसमें ओनली टू ही टर्म्स है, तो कौन सी आइडेंटिटी होगी इसमें, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक बार दोनों का प्लस और एक बार दोनों का माइनस, मतलब एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई. तो अब इसमें यही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ये तो एक्स का स्क्वायर है, वाई का तो स्क्वायर है, बट नीचे पूरे का होल स्क्वायर होना चाहिए ना कंप्लीट वैल्यू का. तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, वाई बाय 10 का होल स्क्वायर. तो बस कन्वर्ट हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो यहाँ पे हम यूजिंग कर देते हैं आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होती है, एक्स प्लस वाई, मतलब एक बार दोनों वैल्यूज का प्लस और एक बार दोनों वैल्यूज का माइनस. यहाँ पे x का मतलब है x ही, और y का मतलब क्या है, y बाय में 10. ठीक है, तो सिंपल इसको खोल देते हैं. अब x प्लस y बाय 10, एक बार दोनों का प्लस और एक बार दोनों का माइनस, बस इतना सा ही इसका आंसर हो जाएगा. ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स, x प्लस y बाय 10, x माइनस y बाय 10. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज. तो इसको एक्सपेंड करना है हमने सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके. तो इसके लिए एक आइडेंटिटी होगी हमारे पास, उसमें क्या करना है, जब भी थ्री वैल्यूज का स्क्वायर, अभी तक हमने किया था कि दो वैल्यूज का होल स्क्वायर था, ए प्लस बी का, सॉरी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई. बट यहाँ पे कितनी वैल्यूज है हमारे पास, थ्री, थ्री वेरिएबल्स है ना, एक्स वाई एंड जेड. तो थ्री टर्म्स का हमने होल स्क्वायर करना है. तो थ्री टर्म्स का होल स्क्वायर का हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, जो मैंने लास्ट वीडियो में हमने की भी थी, आइडेंटिटी नंबर 5. वो क्या थी, यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर. मतलब थ्री वैल्यूज का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैसे ही एक बार क्या करना है, तीनों का प्लस, पहले फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, फिर थर्ड वैल्यू का स्क्वायर. होल स्क्वायर में पहले तीनों का स्क्वायर, फिर प्लस जो स्क्वायर था टू टू नीचे, अब दो दो का प्रोडक्ट एक्स वाई, फिर प्लस
टू एज इट इज, फिर नेक्स्ट टू का प्रोडक्ट प्लस टू एज इट इज, फिर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी होगी हमारी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे x का मतलब क्या है, x ही है, y का मतलब है 2y एंड z का मतलब क्या है 4z। ओके, देन वी राइट इट x प्लस टू वाई प्लस फोर जेड का होल स्क्वायर। अब ओपन करते हैं, सिंपल सा ध्यान रखना, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू मतलब x का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू मतलब 2y प्लस थर्ड वैल्यू मतलब 4z, हो गया होल स्क्वायर। फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई पहली दोनों का की मल्टीप्लाई, फिर प्लस 2 एज इट इज नेक्स्ट 2 की मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 4z, फिर प्लस 2 एज इट इज फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर, प्लस अब इनकी मल्टीप्लाई 2 जा 4 एक्स वाई, 2 जा 4, 4 जा 16 वाई जेड, प्लस 4 जा 8 एक्स जेड। दिस इज योर आंसर, क्योंकि अब सभी वैल्यूज डिफरेंट है, आप किसी को ऐड नहीं कर सकते हो, तो बस ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है हमारे पास, 2x माइनस जो इसका सेकंड पार्ट है वो है 2x माइनस y प्लस जेड का होल स्क्वायर, 2x माइनस y प्लस जेड का होल स्क्वायर। जब भी तीन वैल्यूज का होल स्क्वायर हो तो हमारे पास आइडेंटिटी ही एक है और कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, तो आपने यहाँ पे भी यही लिखना है सेम, यहाँ पे मेंशन करोगे यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। और यह x का मतलब है 2x, y का मतलब है माइनस वाई, जेड का मतलब है जेड। आप यहाँ पे मेंशन करोगे, मैं आपको डायरेक्टली करके दिखा रही हूँ क्या हो गया इसकी आइडेंटिटी। ओपन करेंगे तो 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू विद साइन पिक करनी है माइनस वाई का स्क्वायर प्लस थर्ड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू प्लस 2 मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई थर्ड वैल्यू प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई थर्ड, पहली दो सेकंड थर्ड फर्स्ट और थर्ड। 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस 2 जा 4 एक्स वाई, अब एक ही माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 2y जेड, ये प्लस का ही है तो 2 जा 4 एक्स जेड। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। इसमें भी आप पहले आइडेंटिटी मेंशन करोगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ x का मतलब है माइनस का 2x, y का मतलब है 3y एंड z का मतलब है 2z। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, 2x प्लस 3y प्लस 2z इसका होल स्क्वायर इक्वल होगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू मतलब 3y का होल स्क्वायर प्लस थर्ड वैल्यू मतलब 2z का होल स्क्वायर। पहले खत्म ही काम, फिर लेते हैं प्लस 2 मल्टीप्लाई पहली दो वैल्यूज, माइनस का 2x इंटू 3y, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई नेक्स्ट टू वैल्यूज 3y मल्टीप्लाई 2z प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू माइनस का 2x मल्टीप्लाई 2z। बस ऐसे साइकिल चलाने हैं, पहले ये फिर ये और फिर ये। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर होता है पॉजिटिव, तो माइनस 2 का स्क्वायर होगा प्लस का 4, 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4z स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 जा 4, 4 3 जा 12, xy एज इट इज
प्लस का ही है सभी साइन, 2 3 6 6 2 12 yz, 2 2 4 4 2 8, माइनस का 8xz। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज 3a-7b-c² ठीक है। अब इसमें भी सेम x का मतलब है 3a, y का मतलब है माइनस का 7b और z का मतलब है माइनस का c, तो बस वही आइडेंटिटी यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, 3a-7b-c² सेम फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, द 3a² + -7b² + -c² फिर 2 × पहली दोनों वैल्यूज 3a - 7b + 2 × -7b × c प्लस 2 × फर्स्ट और लास्ट वैल्यू 3a - c। अब 3 का स्क्वायर हो गया 9, a² as it is, माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 7 × 7 = 49, 49b² माइनस का सी स्क्वायर मतलब पॉजिटिव हो जाएगा माइनस का स्क्वायर क्योंकि प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस 2 × 3 = 6, 6 × 7 = 42 ए बी। अब प्लस से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये भी प्लस का 7 × 2 = 14 bc ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस 3 × 2 = 6 ac, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 5, वो क्या है, माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z इस पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर। तो यह x का मतलब है माइनस का 2x, y का मतलब है 5y और z का मतलब है माइनस का 3z। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन, माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस थर्ड वैल्यू का स्क्वायर, विच साइन पिक करना है ये चीज ध्यान रखनी है आपने, माइनस की वैल्यू है तो माइनस का ही लेना है, 2 × माइनस का 2x मल्टीप्लाई का 5y प्लस 2 × अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 5y मल्टीप्लाई माइनस का 3z प्लस 2 × पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू की मल्टीप्लाई, माइनस 2 का स्क्वायर 4 4x², 5 का स्क्वायर 25 y² as it is, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9 z² as it is, प्लस माइनस माइनस 2 × 2 = 4 4 × 5 = 20xy, प्लस माइनस माइनस 2 × 5 = 10 10 × 3 = 30 yz as it is, माइनस माइनस प्लस 3 × 2 = 6 6 × 2 = 12xz। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, 1/4a - 1/2b + 1 होल स्क्वायर, यह x का मतलब है 1/4, y का मतलब है 1/2 और z का मतलब क्या है 1 ठीक है। तो यूजिंग द आइडेंटिटी यहाँ पे राइट करोगे आप इसमें भी आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी सभी क्वेश्चंस में आपको मेंशन करनी है x + y + z² = x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। यहाँ x का क्या मतलब है 1/4a, y का मतलब है माइनस का 1/2b और z का मतलब है 1। तो बस अब जो हमारी स्टेटमेंट है क्या है, 1/4a - 1/2b + 1, इसका होल स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वैल्यू मतलब 1/4a का होल स्क्वायर, ध्यान रखना 4 बाय में और a ऊपर न्यूमरेटर में ही है आपका, प्लस y स्क्वायर मतलब माइनस का 1/2b का होल स्क्वायर, z स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस
टू इंटू एक्स वाई मतलब 1/4 ए इंटू माइनस का 1/2 बी प्लस 2yz मतलब 2 इंटू माइनस का 1/2 बी इंटू जेड की वैल्यू है 1 प्लस 2zx जेड का मतलब 1 और x का मतलब 1/4 ए। अब 1/4 मतलब 1 का स्क्वायर तो 1, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 1/16 ए स्क्वायर एज इट इज। अब ऐसे ही माइनस 1 का स्क्वायर तो रहेगा प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 बी स्क्वायर एज इट इज। प्लस 1 का स्क्वायर तो 1, अब इसमें 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस तो बच गया कितना, ऊपर 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, नीचे सिर्फ 4 बच गया, तो 1/4 ए बी। 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, ऊपर बच गया सिर्फ 1 और बी, तो सिर्फ बच गया 1 बी और नीचे भी कुछ भी नहीं बचा, तो ओनली माइनस का बी। 2 2 4, ऐसे ऊपर 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 बाय में 2, तो प्लस का 1/2 और ए एज इट इज। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बस जब भी आपके पास थ्री टर्म्स का होल स्क्वायर हो तो एक ही आइडेंटिटी है हमारे पास, इसके अलावा कोई और आइडेंटिटी नहीं है इसके लिए, चाहे बीच में वैल्यू प्लस की हो या माइनस की हो, नो मैटर, आपने एक ही आइडेंटिटी याद रखनी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। बस जब भी अगर माइनस की वैल्यूज होंगी तो जैसे हमने यहाँ पे किया, वाई वैल्यू नेगेटिव है ना, तो वाई की वैल्यू हमने ले ली माइनस का 1/2 बी, तो जहां जहां क्वेश्चन में वाई यूज होगा वहां पे वैल्यू को नेगेटिव रख देंगे। इसके अलावा साइन डिफरेंट होने पर आइडेंटिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आज के लिए हम सिर्फ ये दो क्वेश्चन ही करेंगे, आप इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से करोगे, वीडियो देखने के बाद एक बार खुद से इसको सॉल्व करके देखोगे आप। आप जब तक इसे खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं होगी, तो जितनी प्रैक्टिस आप इन क्वेश्चंस की करोगे आप उतने अच्छे से ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे।